टुडे वी विल डिस्कस ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस मैट्रिक्स स्पेसिस ओपन एंड क्लोज सेट्स से आपका मतलब क्या है कि जैसे आपने टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन में क्या सीखा था ओपन सेट क्या होता है नेबरहुड क्या होता है इंटीरियर पॉइंट क्या होता है इंटीरियर सेट क्या होता है लिमिट पॉइंट क्या होता है एडीहट पॉइंट क्या होता है क्लोजर क्या होता है उसी तरीके से वही सारी डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में आप सीखेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास जो है फर्स्ट डेफिनेशन ये है डेफिनेशन फर्स्ट क्या डेफिनेशन फर्स्ट ओपन स्पियर ओपन स्पीयर और ओपन बाल ओपन स्पीयर एंड या ओपन बाल कैसे कह सकते हैं इसको क्या है डेफिनेशन लेट एक्स टीवी ए मेट्रिक स्पेस मेट्रिक स्पेस से आपका मीनिंग क्या है कि जो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उन उस सेट को विद डिस्टेंस फंक्शन डी उस जो सेट एक्स है वो डिस्टेंस फंक्शन के साथ चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो टी क्या बन जाता है आपका मीट्रिक स्पेस बन जाता है uh, मीट्रिक स्पेस मान लिया लेट लेट ए बिलोंग्स टू एक्स एंड आर ग्रेटर देन जीरो आर ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर बी एनी रियल नंबर देन द सेट देन दैट कौन सा सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन आर इज कार्ड एन ओपन शपियर एन ओपन श्पीयर और ओपन बार और ओपन बॉल इट मीन्स ये हुआ कि एक ऐसा कलेक्शन एक्स के उन पॉइंटों का कलेक्शन सच कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड इज लेस देन आर या मीट्रिक इज लेस देन आर इज कॉल्ड एन ओपन स्पीयर और ओपन बाल अब यहां पर जो पॉइंट ए है पॉइंट ए पॉइंट ए इसको क्या कहते हैं इज कॉल्ड द ज कॉल्ड देंटर ऑफ द स्पीयर अब सेंटर है तो इट मीन्स रेडियस भी होगी इसके पास कुछ ना कुछ और जो आर है दिस आर आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्पीयर डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई इसको जो ये सेट है डिनोटेड बाई इस सेट को कैसे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई एस आर ए कह सकते हो कि सेंटर uh, ए और रेडियस आर एस मीन्स पी ऐसे कह सकते हो दिस इक्वल टू एस ए आर कह सकते हो ऐसे कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो बी आर ए या बी ए आर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो वट इज इक्वल टू दिस एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन आर तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन क्या बन जाता है आपका ओपन स्पीयर बन जाता है ठीक है जी अब ये ओपन स्पीयर है ओपन स्पीयर में क्या है मीनिंग की दिस डी एक्स इज लेस देन आर क्लियर अगर ये इक्वलिटी की पोजिशन को कंटेन करना लग जाए यानी कि लेस देन इक्वल टू बन जाए तब ये क्या बन जाएगा क्लोज स्पीयर बन जाएगा तो क्लोज स्पीयर क्या होगा आपके पास यहाँ पे क्लोज स्पियर क्लोज स्पीयर डेफिनेशन टू क्लोज स्पीयर और क्लोज बाल सेम डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे बस चेंजेस क्या है एक्सटी कोई मेट्रिक स्पेस मान के चलेंगे एंड ए एंड आर कोई पॉइंट मान के चलेंगे देन एस आर ए एस आर ए अब यहाँ क्लोज कर लेंगे इसको क्लोज्ड में आ जाएगा ये और एस ए आर एस ए आर अब यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी ठीक है या और बी आर क्लोज्ड ब्रैकेट ए स्लैश बी ए आर वट इज दिस दिस इज पॉइंट ऑफ दोज कलेक्शन ऑफ एक्स दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड ए इज लेस देन इक्वल टू आर यानी कि इसमें बाउंड्री के पॉइंट भी इसमें आ सकते हैं तो ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी क्लोज एंड ओपन स्पीयर अब आपको यहाँ से जानकारी होनी चाहिए क्या ये जो ओपन या क्लोज स्पेयर है क्या ये एम हो सकता है क्या ये एम होगा बिल्कुल भी नहीं होगा तो एस आर ए एस आर ए और एस आर ए ऑलवेज़ नॉन एम क्योंकि कम से कम इसका जो सेंटर होगा वो तो ऐट क्योंकि क्योंकि ए बिलोंग्स टू एस आर ए और एस आर क्लोज बॉल ये तो ऑलवेज इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा सो so ये कभी भी आपका नॉन एम्प्टी सेट नहीं हो सकता एग्जाम्पल आपके पास यहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर करें अब है क्या कि डिस्क्राइब एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्क्राइब ओपन स्पीयर फॉर द यूजल मैट्रिक फॉर द यूजअल मीट्रिक इन या फोर आर एंड आर स्कोर आर एंड आर स्क्वेर आपको पता है अगर सॉल्यूशन की बात करें इसके सॉल्यूशन गिवन क्या है फोर आर के लिए पहले डिस्कस करते हैं गिवन क्या है कि जो एक्स है दिस इज गिवन आर ठीक है और डिस्टेंस फंक्शन क्या है दैट इज देन डिफाइन डी डी सच दैट आर क्रॉस आर टू पॉजिटिव आर और दिस इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे भी कह सकते हो डिफाइन कैसे किया गया मीटिक फंक्शन को डी ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिस इज नोन एज द यूजल मीट्रिक स्पेस क्या नाम है इसका जिसको आपने कहा यूजल मीट्रिक के लिए इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं यूजअल मीट्रिक स्पेस अब ये फंक्शन आपके पास डिफाइन है अब हमें क्या चाहिए ओपन स्पेयर डिफाइन करना है हुँ. तो ओपन स्पेयर के लिए एक पॉइंट ए चाहिए नाउ इफ ए बिलोंग्स टू आर अगर ए पॉइंट बिलोंग्स टू आर है देन ओपन स्पीयर सेंटर्ड विद विद सेंटर ए ओपन स्पीयर विद सेंटर ए एंड रेडियस आर रेडियस आर इज गिवन बाय इज़ गिवन बाय क्या जाएगा एस आर ए क्योंकि आपने ऐसे डिनोट किया इसको ओपन स्पेयर को एस आर ए ठीक है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू एक्स के वो पॉइंट एक्स क्या है यहाँ पे आर है सच दैट डी ऑफ एक्स ए क्या आ जाए इज लेस देन आर आ जाए ठीक है जी अब आपको पता है कि डिस्टेंस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया इस तरीके से डिफाइन किया गया तो क्या बन जाएगा ये एक्स बिलोंग्स टू आर सज दैट मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन आर आ जाए ये आ जाएगी बाई डेफिनेशन अगर ये आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास निकल के दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बिलोंग्स टू आर सज दैट माइनस आर इज़ लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन आर आ जाएगा और दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए माइनस आर इज लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर ये आ जाएगा अब यहां से क्या मिला आपको दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किस में आ गया ओपन इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर तो यहां से क्या मिला द ओपन स्पीयर ओपन स्पीयर्स ऑन द रियल लाइन ऑन द रियल लाइन ऑन द रियल लाइन आर ओपन इंटरवल आर ओपन इंटरवल क्योंकि आपको पता लग गया कि वो एक्स कहाँ से मिलेंगे इसे इंटोल से मिलेंगे अगर ओपन स्पीयर चाहिए तो जितनी आप रेडियस लेंगे उसके पॉइंट से आपका एक उसके हिसाब से आपका क्या बन जाएगा ओपन इंटोल बन जाएगा आपको तो ये ओपन स्पीयर आ जाएगा क्लियर तो ये आप कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें यहाँ पर इसी में एग्जाम्पल के लिए देखिए मान लो मान लो आपके पास एक स्पीय डिफाइन करना एस थ्री बाई टू और सेंटर आपके पास वन है ठीक है जी अब दिस इज द रियल लाइन ये, ये रियल लाइन आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी और या मेट्रिक स्पेस में डिफाइन कर रहे हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे दिस इज कंप्लीट सेट एक्स व्हाट इज एक्स एक्स दिस इक्वल टू आर तो एस थ्री बाई टू वन दैट इज दिस इक्वल टू डिफाइन बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्पीयर एक्स बिलोंग्स टू आर सज दैट क्या होना चाहिए अगर इसको थ्रू आउट चेक करें तो यहाँ से क्या आ जाना चाहिए x बिलोंग्स टू a माइनस आर और a प्लस आर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस आर वट इज ए वन माइनस थ्री बाई टू और वन प्लस थ्री बाई टू यह आ जाना चाहिए आपके पास और यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू टू फाइव बाई टू ये आ जाएगा और व्हाट इज़ एस थ्री बाई टू वन दैट इज ओपन स्पेयर सेंटर्ड ऑन वन एंड रेडियस विद विद रेडियस थ्री बाई टू दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू टू फाइव बाई टू दिस इज़ द ओपन स्पियर इस पॉइंट के लिए आपके पास ओपन स्पेयर आ जाएगा और यहाँ पर ये ये पॉइंट आ जाएगा मान लो एक्स बिलोंग्स टू आर है तो दिस इज ए माइनस आर और ए प्लस आर ए अगर ये पॉइंट ए है तो और ये क्या बन जाएगी आपके पास रेडियस आर आ जाएगी ठीक है जी तो इस तरीके से जो सेंटर्ड है यार ये लाइन पे क्या आ जाएगा आपके पास ये ओपन स्पीयर आ जाएगा तो ये आपके पास x इक्वल टू आर के लिए आपने डिफाइन कर लिया ओपन स्पियर को ओपन स्पियर ठीक है अब हम x इक्वल टू आर स्क्र के लिए डिफाइन करेंगे ओपन स्पियर को तो x इक्वल टू आर स्क्र के लिए सबसे पहले तो हमें एक मेट्रिक स्पेस चाहिए मेट्रिक डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करें उसको उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप देख लीजिए जिसको हमने नाम दिया यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या नाम दिया यूक्लिडियन जो आपने एग्जाम्पल में कर लिया होगा यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस इसका नाम है यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस ये क्या करता है ये ऐसा काम करता है कि जब आपके पास लेट एक्स इक्वल टू आर एन हो यानी कि एनथ डायमेंशन का कोई भी आपके पास स्पेस हो बी दी सेट ओफ ओल ओडर एन टपल्स एन टपल्स ओफ रियल नंबर फोर ए फिक्सड एन बिलोंग्स टू एन एन आपके पास वन हो टू हो थ्री हो एंड शो ऑन लेट डी बी ए फंक्शन, बी ए सच दैट डी एक्स वाई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ऑफ होल व्हाट इज एक्स फोर एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन एंड वट इज वाई वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू अप टू वाई एन ये आपके पास ऑर्डर पेयर है विद एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन तब ये जो आर एन डी है देन दिस आर एन डी देन आर एन डी और व्हाट इज आर एन दिस इज एक्स दिस इज एक्स इज ए मीट्रिक स्पेस एक मीट्रिक स्पेस बनता है ये आपके पास अब मीट्रिक स्पेस बनता है हमने क्यों लिखा कि हमने एन एथ के लिए डिफाइन किया एन एथ के लिए इसको डिफाइन किया बट हम किसके लिए काम कर रहे हैं हम तो आर स्क्वेयर के लिए काम करना है तो जब आर स्क्वेयर के लिए काम करेंगे तो आर स्क्वेयर के लिए ऐसा स्पेस बन जाएगा क्योंकि लेट नाउ लेट एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर के लिए हम काम कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे यूजुअल मीट्रिक फेस को देन द यूजल मीट्रिक फोर आर स्क्वेयर दिस इक्वल टू डी हम डिफाइन करेंगे द यूजल मीट्रिक यूजल मीट्रिक आर स्क्वेर इज डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय द्लेक्स प्लेन बन जाएगा आपके पास तो हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं डी जेड वन जेड टू दिस इक्वल टू वट इज जेड वन एंड जेड टू जेड वन दिस इक्वल टू एक्स वन वाई वन ऑर्डर क्योंकि आर टू स्क्वेयर है तो यहाँ आर एन में क्या करे थे हम एन टपल्स थे आपके पास ठीक है तो यहाँ जेड वन में टू टपल्स आएंगे क्योंकि आर स्क्वेयर है आपके पास यहाँ पे और जेड टू क्या है दिस इज एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर बिलोंग्स टू तो डी जेड वन जेड टू कैसे डिफाइन करेंगे हम दिस समेसन आई इक्वल टू वन टू टू एन की वैल्यू क्या है टू है यहाँ पे एन की वैल्यू क्या बनेंगे टू और ये क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस के वाई आई का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर होल स्क्र रूट ये आ जाएगा आपके पास तो दिस इक्वल टू तो क्या बन जाएगा एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वेयर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वेयर और होल पावर क्या बन जाएगी आपके स्क्वेयर रूट ये आ जाएगा ठीक है अब आपको निकालना है ओपन स्पेयर फॉर दिस मीट्रिक स्पेस फॉर दिस मीट्रिक इसके लिए आपको ओपन स्पेयर निकालना है तो ओपन स्पेयर के लिए आपको क्या चाहिए एक सेंटर चाहिए एक सेंटर चाहिए और फिर डेफिनेशन लगानी है आपको ओपन स्पेयर की तो मैं क्या करता हूँ दी ओपन स्पीयर विद सेंटर जेड नोट ये आपका एक वैल्यू वट इज जेड नोट जेड नोट दिस इक्वल टू एक्स नोट वाई नोट ये आपके पास जेड नोट का काम करेगा विद जेड नोट इक्वल टू ए एंड रेडियस आर इज गिवन बाय इज गिवन बाय कैसे आ जाएगा कि एस आर जेड नोट वट इज जेड नोट दिस इक्वल टू ए क्या आ जाएगा कि z बिलोंग्स टू आर स्क्र सच दैट सच दैट d ऑफ z z नोट क्या आ जाए दिस लेस देन r आ जाए दिस लेस देन r आ जाए और आपको पता कि डी जेड जेड वन कैसे डिफाइन करते हैं इस तरीके से डिफाइन करते हैं जेड है तो जेड वट इज जेड जेड इज दाई जेड एक्स वाई का काम करेंगे तो यहां पे जेड लिख सकते हैं जेड इज एक्स वाई जेड एक्स वाई का काम करेगा तो अब आपके पास क्या बन जाएगा ये दिस बिकम्स दिस इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट सच दैट स्क्वेयर रूट एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वेयर एंड दिस लेस देन आर आ जाएगा दिस लेस देन आर आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास और यहाँ से क्या कह सकते हैं और और ये आ जाएगा एस आर जेड नोट दिस इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू आर स्क्र सज दैट सज दैट स्क्वेयर रूट एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वेयर एंड दिस लेस देन आर अब अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि दिस लेस देन एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वेयर दिस लेस देन आर स्क्वेयर ये आ जाए उस रूट को उधर भेज दें तो क्या दिखाई देता आपको यहाँ यहाँ से ये यह दिखाई देता कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ इर्कल और जब सर्कल की इक्वेशन है कार्टेजिन प्लेन में तो जो ओपन स्पीय क्या मिला ओपन स्पीयर में आपको वो पॉइंट मिले वो उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन मिला जो इस विद इन सर्कल के अंदर लाए करते हैं क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो लेंगे नहीं क्योंकि लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है आर स्क्वेयर है स्ट्रिक्टली लेस देन आर स्क्र है दैट इज आपको यहाँ से जो मिली है वैल्यू वो क्या मिली है वो ये वैल्यू मिली है ये वैल्यू मिली है आपको कि अगर आपके पास दिस एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर था एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर तो अगर ये सेंटर जेड नोट था और दिस रेडियस आर थी आर तो इस रेडियस में जो आपके पास एक इक्वेशन एक ऑफ सर्कल मिली है आपको जो इस बाउंड्री से के पॉइंट को छोड़ के इनसाइड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे किस में आ जाएंगे एस आर जेड नोट में आ जाएंगे क्लियर तो यहाँ से आपको आपके पास यहाँ से क्या आ गया एक सर्कल uh, निकल के आ गया ओपन स्पीयर इन दिस केस कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कार्टेजियन प्लेन विच लाई विद इन दी सर्कल इस सर्कल के अंदर जो लाई करते हैं। तो सिमिलरली आपके लिए एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि यू कैन डिफाइन द डिफाइन द क्लोज स्पीयर क्लोज स्पीयर फॉर आर एंड आर शक्र आर एंड आर स्क्वेयर के लिए आप क्लोज स्पीयर को डिफाइन कर सकते हैं किसका यूज करके यूजअल मीट्रिक स्पेस का फॉर द यूजल मीट्रिक स्पेस फॉर आर एंड आर स्क्वेयर इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन है जो छोड़ दिया गया कर लेना इसको तो इसको ओपन डिस्क भी बोल सकते हैं यहाँ पे ओपन डिस्क ओपन डिस्क ओपन डिस्क भी आप डेफिनेशन सीखी है तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि डी यूजल कोई मेट्रिक स्पेस है इफ डी बी दी यूजअल मेट्रिक डी एक्स वाई मेट्रिक डी एक्स वाई सज दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो वन डिसक्राइव डिस्क्राइव एस वन बाई एट टू ज़ीरो ओपन स्पीयर विद रेडियस वन बाई एट एंड सेंटरेड जीरो और इसको ऐसे भी कह सकते हैं आपको पता है कि एस ज़ीरो टू वन बाई एट ये भी आप कह सकते हैं तो ये आपको निकालना है आप कैसे करें इसको इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि वट इज़ एच वन बाई एट जीरो विद रेडियस वन बाई एट एंड सेंटर जीरो ओपन स्पीयर विद सेंटर जीरो एंड रेडियस वन बाई एट दिस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू अब आपको पता है कि यहाँ पर जो x है कैपिटल x वट इज़ गिस दिस इज द कैपिटल इंटरवल दिस इज द इंटरवल क्लोज इंटरवल जीरो टू वन ये सेट आपके पास तो यू हैव टू प्रूव दैट ज़ीरो वन ये आपके पास मेट्रिक स्पेस आपके पास गिवन है इस सेट पर ज़ीरो वन टू डी पे मेट्रिक स्पेस आपके पास गिवन है तो ओपन स्पेयर आपको निकालना ओपन बाल आपको निकालनी है तो एक्स हम कैसे करेंगे x बिलोंग्स टू जीरो वन सच दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर ठीक है जी यही डेफिनेशन तो ओपन इंटरवल की ओपन स्पियर की तो वट इज़ दिस दिस इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो वन सच दैट वट इज डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स ए दैट इज एक्स ए यहाँ सेंटर ए तो डी ऑफ एक्स सच दैट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो और वन बाई एट ये आपके पास आ जाएगा ठीक है जी और यहाँ से क्या कर सकते हैं दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो वन सज दैट वट इज़ वैल्यू ऑफ दिस दिस इज द मोड ऑफ एक्स माइनस वाई तो यहाँ से मोड ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो दिस लेस देन वन बाई एट आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो वन सज दैट मोड ऑफ एक्स इज लेस देन वन बाई एट ठीक है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस के वन बाई एट टू एक्स लेस देन वन बाई एट और एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो वन ठीक है जी ये इंटरवल आपके पास आ जाएगा और यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन बाई एट टू वन बाई एट ये आपके पास आ जाएगा बट आपका इंटरवल कैसा है जो कैपिटल एक्स है वो कैसा है दिस इज दलोज इंटल जीरो वन तो आपको पता है कि नेगेटिव के पॉइंट माइनस के पॉइंट तो इसके अंदर नहीं है सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंटेंट करता है तो ये माइनस वन बाई एट टू जीरो जो वैल्यू रहेगी उनको तो कंटेंट नहीं करेगा सो so, यहाँ से एस वन बाई एट की ओपन स्पियर विद सेंटर जीरो एंड रेडियस वन बाई एट क्या आ जाएगा आपके पास दिस इक्वल टू तो जीरो तो वैल्यू आ सकती है माइनस वन बाई एट टू वन बाई एट के बीच के ना तो जीरो तो ले सकते हैं और क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास इज नो 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 नंबर लेस देन जीरो बिलोंग्स टू ओपन स्पीयर वन सेंटर जीरो एंड रेडियस वन बाई एट तो सिर्फ ये वाला स्पियर आ जाएगा आपके पास क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओपन स्पीड डिस्क्राइब करना है डिस्क्राइब ओपन स्पीयर एस जीरो जीरो टू वन दैट इज सेंटर जिसका जीरो जीरो है और रेडियस क्या है वन फोर द फोर द डी ओफ जेड वन टू जेड टू सज दैट मोड ऑफ़ एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस मोड ऑफ़ वाई वन माइनस वाई टू ये आपके पास है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम अब आपके पास ये गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन स्पीय को डिफाइन कर लेते हैं हम कि एस जीरो जीरो टू वन इसको कैसे डिफाइन करेंगे दिस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू इसको जेड भी कह सकते हैं आप सिंपल वन डेफिनेशन में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सज दैट डी ऑफ एक्स वाई टू सेंटर ए दैट इज जीरो 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 दिस लेस देन क्या होगा विद रेडियस वन आ जाएगा ठीक है जी डेफिनेशन लगा दिया आपने तो यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्र बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट इसको डिफाइन कैसे किया बाई डेफिनेशन ऐसे डिफाइन किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो प्लस uh, में मोड ऑफ वाई माइनस जीरो एंड दिस लेस देन वन आ जाएगा ठीक है और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी uh, इसको मैं अगर जेड मान लूँ कि जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सज देट मोड ऑफ़ एक्स प्लस के मोड ऑफ वाई दिस लेस देन वन आ जाएगी अब मोड की प्रॉपर्टी है तो मोड की प्रॉपर्टी में चार केसेज आएंगे आपके पास कौन कौन से केसेज आएंगे एक तो आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन दोनों ही पॉजिटिव हो फिर वाई नेगेटिव हो ठीक है अगर इसको स्ट्रिप्ट बनाएं इक्वल टू में लेके चलें इक्वेशंस के केस में लेके चलें इसको लेस देन को बजाय ये मान लें ठीक है दूसरा क्या आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू वन आ जाएगा और माइनस का एक्स माइनस का वाई इक्वल टू वन आ जाएगा क्लियर तो ये चार केसेज बनेंगे जब इन चार केसेज को डिस्कस करेंगे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर स्क्वेयर में तो दिस इज़ वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस और तो फिर आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी ठीक है वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन ये आ जाएगा वाई जीरो है ठीक है जब एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई क्या आ जाएगा आपके पास वन आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी तो एक तो ये लाइन आपके पास ये आ जाएगी ओके जब वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन और जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस वन तो एक लाइन आपके पास ये आ जाएगी सेकेंड के लिए थर्ड के लिए एक्स को जीरो पुट किया तो वाई इक्वल टू वन और वाई को जीरो पुट किया तो एक्स इक्वल टू माइनस वन तो एक लाइन आपके पास ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन की और फोर्थ इक्वेशन की यहाँ से निकल के आ जाएगी तो ये क्या बन गया है कि आपको स्क्वेयर मिल गया बाउंडेड बाई फॉलोइंग फोर लाइन्स दिस इज द इक्वेशन वन टू एंड थ्री एंड ये आपके पास Four आ जाएगी वन टू थ्री एंड फोर तो चारों इक्वेशन आपकी इस तरीके से निकल जाएगी क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है तो लेस देन में कौन सा एरिया आ जाएगा आपके पास निकल के तो so, ये वाला ये वाले पॉइंट आ जाएंगे आपके पास निकल के ठीक है इंटीरियर पॉइंट तो ये आपके पास आ जाएगा ओपन स्पेयर इन दैट इन दिस केस इज द इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर ऑफ द स्क्वेयर बाउंडेड बाई द फॉलोइंग फोर स्ट्रेट लाइन तो ये आपके पास क्या गया ओपन स्वेयर आ गया जो इस तरीके से मीटिक डिफाइन की थी जिसका रेडियस वन था और सेंटर ज़्यादा जीरो जीरो था क्लियर तो आगे भी कर सकते हैं हम इसी इस तरीके से अगला केस क्या के हो आप सकता आपके पास अनदर मीटिक डिफाइन कर सकते हैं इसी सेंटर पर और इसी रेडियस पर अगर निकालना चाहें उसको क्या निकालेंगे नेक्स्ट है इस तरीके से डिफाइन किया गया डी डी जेड वन टू जेड टू दिस इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वेयर और आपको पता है कि जेड वन क्या आपके पास यहाँ पर एक्स वन वाई वन है और जेड क्या जेड नोट आपके पास क्या है यहाँ पे जीरो जीरो है और गिवन क्या है आर आपके पास रेडियस वन है ये आपके पास गिवन है तो इसको लेकर के आपने वो निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ एस आर जेड नोट जेड नोट दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट डी ऑफ जेड जेड नोट इज लेस देन आर यह आएगा मेरे पास तो ओवरऑल तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास वट इज़ वैल्यू ऑफ जेड जेड इज द एक्स वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्र सच दैट क्योंकि जेड नोट कैसा पॉइंट है गिवन आपके पास ये इसमें जेड नोट क्या गिवन है जीरो जीरो गिवन है क्लियर रेडियस वन है तो वो डेफिनेशन को लगाते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा दिस आ जाएगा स्क्यर रूट ऑफ एक्स वन माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस जीरो दैट इज वाई स्क्वेयर और दिस लेस देन आर आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन ये आ जाएगी आपके पास और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास निकल के एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन वन ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अब यहाँ पे क्या आ गया ये इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो यानी कि आपके पास दिस इज दाई एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो मेरे पास क्या आएगा सर्कल की इक्वेशन तो ये आ जाएगी विद रेडियस वन ये रेडियस वन के साथ सर्कल आ जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या आपके पास लेस देन वन है तो कौन से पॉइंट आ जाएंगे इसके भी पॉइंट ये आ जाएंगे सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट अगर क्लोज होता तो बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड कर लेता ये तो ओपन स्पेर इन दिस केस सो सो ओपन स्पीयर इन दिस केस इज इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल ये आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटी कोई भी गिवन मैट्रिक्स स्पेस लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस मैट्रिक्स स्पेस डिस्क्राइब आपको करना डिस्क्राइब द ओपन स्पीयर फॉर डिस्क्रीट स्पेस ये आपको डिफाइन करना सॉल्यूशन अगर इसका करें सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब आपको पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्सटी क्या है आपके पास मीट्रिक स्पेस है बी मीट्रिक स्पेस और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आपको पता है डिस्क्रीट मीट्रिक डी ऑन एक्स इज डिफाइंड बाय ऐसे डिफाइन करते हैं डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल टू जीरो इफ़ एक्स इक्वल टू वाई और वन इफ एक्स नोट इक्वल टू वाई ऐसे डिफाइन करते हैं अब आपको क्या निकालना है एस आर एक्स निकालना है एस आर ए एस आर ए निकालना है आपको यानी कि ओपन शपर बताना है आपको इस मीट्रिक स्पेस के लिए मान लो लेट ए बिलोंग्स टू एक्स कोई पॉइंट मान लिया एंड आर बी एनी रियल नंबर आर बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन वन तो आर कोई रियल नंबर मान लिया ग्रेटर देन वन आपने एज्यूम कर लिया देन क्या होगा एस ए एस आर ए एस आर ए एस आर ए दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स वो आएंगे पॉइंट सच दैट डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन क्या होगा आर होगा क्योंकि आर कैसा है आर तो ग्रेटर देन वन है और ग्रेटर देन वन है तो भी सी बात है इस डी एक्स के पास दो चॉइस होंगी या तो ज़ीरो होगी या वन होगी ये इफ एक्स इक्वल टू वाई और इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है? हैं लेस देन आर रहेगी और जब लेस देन आर रहेगी तो ये ओपन स्पीड कैसा आ जाएगा पूरा एक्स ही आ जाएगा पूरा एक्स आ जाएगा तो दोनों कंडीशन को ये क्या करता है होल्ड करता है तो पूरा एक्स आ जाएगा आपके पास ओके okay? दूसरा केस क्या है सेकेंड में केस में इफ आर लेस देन इक्वल टू वन आर लेस देन इक्वल टू वन क्या होगा कि एस आर ए दिस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन आर आ जाएगा और आर इक्वल टू क्या है या तो वन हो सकता है या इससे लेस देन हो सकता है आर लेस देन इक्वल टू वन है क्लियर ये आपके पास वैल्यू और डी एक्स ए के पास क्या चॉइस है जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई है ना और वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई अब जीरो अगर आता है इसमें डिस्टेंस में जीरो उठाते हैं जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई तब तो ये वन से छोटा है और ये कब के केस होगा एक्स इक्वल टू वाई यानी कि एक्स इक्वल टू ए आ जाए तो ये यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा ए इट्स शेल्फ क्योंकि इक्वलिटी होनी पड़ेगी ना जीरो के लिए इस एक्स को एक्स ए के बराबर होगा तभी तो ये जीरो आएगा अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तब क्या आएगा वन और वन आपको पता कि आर से छोटा है नहीं तो ये तो नहीं आ सकता यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई का केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता तो सिर्फ पॉइंट क्या है इसके लिए निकल के ए ही आया तो दिस इम्प्लायज एस आर ए क्या आ जाएगा आपके पास दिस इक्वल टू ए इफ आर लेस देन इक्वल टू वन तो सिंगल सरन सिंगल टर्न सेट आ जाएगा तो सिमिलरली आप क्लोज स्पीयर के लिए भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इस केस को Okay, thank you.